लग रहा है कि गेमिंग फोन है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। आज है मेरे पास Realme Narzo 30। इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज़ देती चलूँ कि Realme C21 की प्राइस ड्रॉप हो गई है और अब जो न्यू प्राइस है उसकी वो है 19,999, यानी कि 20,000 की प्राइस रेंज में अब आपको Realme C21 मिलेगा। तो वापस आते हैं, इसकी जो प्राइस है वो तो मैं आपको भी कंफर्म नहीं बता सकती, लेकिन अंडर 35,000 तक की ये डिवाइस आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio G95 का, जो कि आपको Realme 8 सीरीज़ में मिला था और उसकी ज़ाहिर प्राइस ज़्यादा थी। और ये पहली बार ऐसा है कि आपको इतनी कम बजट में इतना अच्छा चिपसेट मिलेगा। एक गेमिंग चिपसेट आपको दिया गया है Helio G95, जिसमें आपकी गेमिंग आपको पता है बहुत ही स्मूथ होगी। इसके अलावा इसमें और बहुत से एक्साइटिंग फीचर्स हैं, लेकिन अगर आप बॉक्स को देखें तो यहाँ पर ब्लू कलर का हमें बॉक्स मिल रहा है, Narzo और 30 की ब्रांडिंग है। इसके अलावा जो मेरे पास वेरियंट है ये 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं, Helio G95 गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है और इसमें और भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को हम ओपन कर ही लेते हैं। इसमें हमें सबसे टॉप पे मिलता है एक बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन और इसके साथ आपको मिलता है बैक कवर। ग्रे कलर का बैक कवर है और काफी ये सॉफ्ट है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि टॉप पे जो बॉक्स हमें मिल रहा है, इधर मेंशन किया हुआ है फील द पावर Narzo बाय Realme। तो फील द पावर इसकी चिपसेट है जो कि आपको इतनी अच्छी दी गई है इस प्राइस ब्रैकेट में। और हमें मिलती है इसकी सिम जैक पिन। इसके साथ यहाँ पे हमें एक चार्जर मिलता है जिस पे डार्ट आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि यह है डार्ट चार्जर। इसमें आपको डार्ट चार्जिंग मिल रही है, कितना क्विकली आपका ये फ़ोन चार्ज होगा। और यहाँ पर मेंशन भी है कि ये 30 वॉट का डार्ट चार्ज आपको यहाँ पर मिल रहा है। और हमें मिलती है इसकी डेटा केबल जो कि है टाइप सी। तो ये है Realme Narzo। और यहाँ पर जो पहली चीज़ मैंने फील की है वो इसका वेट है, और ये कुछ हैवी लग रही है ये डिवाइस, और काफ़ी थिक भी लग रही है, लाइक मोटी लग रही है। इससे पहले मैंने देखे हैं कि Realme के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लग रहा है कि गेमिंग फ़ोन है। यहाँ पर आपको जो बैटरी दी गई है वो 5000mAh की बैटरी दी गई, लेकिन 5000mAh की बैटरी के साथ भी फ़ोन इतना थिक नहीं आता, इसको काफ़ी थिक डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले इसके बैक पैनल को देखें, इसके डिज़ाइन में आपको काफ़ी ये साइड पे जो नज़र आ रही हैं रेस थोड़ा वी शेप में, अगर आप लाइट में देखो तो आपको प्रॉपर नज़र आएगा। तो ये थोड़ा से दो सेक्शन कर दिए गए हैं इस डिज़ाइन में, है तो ब्लू कलर का ही प्लास्टिक बैक पैनल मिल रहा है। थोड़ा बहुत ग्रीस बन रहा है, स्पजेस बन रहे हैं, तो आपने कवर लगा के यूज़ करना है ताकि आपकी डिवाइस अच्छी लगे। इसके साथ आपको मिलते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप। मेन कैमरा है 48 MP का, Narzo की ब्रांडिंग है। आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, लेकिन यहाँ पर आपको एक साथ वॉल्यूम रॉकर्स नहीं दिए गए बल्कि वो लेफ्ट साइड पर आपको दिए गए हैं। सिम स्लॉट भी लेफ्ट साइड पे मौजूद है। बॉटम पे आपको मिलते हैं स्पीकर, सिर्फ सिंगल स्पीकर दिए गए हैं। ऑडियो जैक बहुत ज़रूरी है स्पेशल गेमर्स के लिए, क्योंकि गेमिंग फ़ोन है, और आपको टाइप सी की केबल मिलती है। तो इसको मैंने ऑन कर लिया है। डिस्प्ले पे बात करनी है, क्योंकि इसका डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले की तरफ अगर आप देखें तो आपकी सबसे पहले जो नज़र पड़ेगी वो इसके पंच होल पर पड़ेगी। ये थोड़े से बड़े साइज़ में दिया गया है, वैसे आजकल छोटे भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बड़े साइज़ का दिया गया है। यहाँ पर जो हाईलाइट फीचर है, इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें फुल HD+ की रेजोल्यूशन है। तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि आजकल 90Hz तो मिड रेंज डिवाइसेस में आ रही हैं, एक हाई रिफ्रेश रेट दिया जाता है लेकिन रेजोल्यूशन अच्छी नहीं दी जाती। तो इसमें आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन दी गई है। 6.5 इंच का यह डिस्प्ले है। बेजल भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं दिए गए, इवन चिन पर भी आपको अच्छे थोड़े सिन दिए गए हैं, जैसे कि उमूमन ज़रा ज़्यादा दिए जाते हैं। तो इसका डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है बाकी डिवाइसेस से, अगर आपने पहले कुछ Realme के फ़ोन देखे हैं बजट डिवाइस में स्पेशली। और अगर मैं व्यूइंग एंगल की बात करूं और सनलाइट में, तो इसकी विजिबिलिटी ठीक थी, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी। मुझे अच्छा लगा, मुझे काफ़ी इंप्रूव लगा इसका डिस्प्ले। इवन अगर आप थोड़े से डार्क सीन्स भी देख रहे हैं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं। 90.5% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। इसके डिस्प्ले फीचर्स में आपको ऑटो सेलेक्ट स्क्रीन रिफ्रेश
स्ट्रेट मिलता है। इसके अलावा पंच होल लाइट इफेक्ट भी मिलता है, लाइक अगर आप उसको टर्न करते हैं सेल्फी कैमरा में तो उस पर एक लाइट सी रिफ्लेक्शन आती है, वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। इसमें आई प्रोटेक्शन भी मौजूद है, इसके अलावा OSIE भी मौजूद है। यहाँ पर बात करनी है मुझे आप इसकी परफॉर्मेंस की, इसमें मैंने कुछ गेमिंग की है। जैसे कि आपको पता है कि गेमिंग प्रोसेसर इसमें दिया गया है, तो इसमें मैंने COD खेला तो आपको हाई सेटिंग्स मिलेंगी, तो अच्छी स्मूथ गेमिंग रही है। इसमें एक तो 90 हर्ट्ज़ का आपको जो रिफ्रेश रेट दिया गया है तो उसकी वजह से गेमिंग मजीद स्मूथ लगी, अच्छी लगी, बिल्कुल कोई लैग नहीं था, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने नोट की, लाइक जो MediaTek की पहले जो चिपसेट आती थी तो उसमें जब आप भी आप गेमिंग करते थे या फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर लेते तो डिवाइस हीटअप होती थी, तो यहाँ पर हीटअप भी नहीं हुई, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आई। और इसके अलावा मैंने इसमें S9 भी खेला तो वो भी काफ़ी स्मूथ थी, ग्राफिक्स भी अच्छे थे, तो गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा ही मिलेगा। जहाँ तक कैमरे की बात है, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप तो मिल रहा है रियर साइड पे। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, सनलाइट में तो ठीक है, लाइक आउटडोर जो मैंने पिक्चर्स ली तो उसमें काफ़ी बेहतर मुझे रिजल्ट्स मिले। इसमें आपको 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलती है, इसमें वीडियो स्टेबिलिटी भी मौजूद है, लेकिन ऑफकोर्स आपको वो 1080p पर मिलेगी वो सेटिंग। तो 4K में तो आपको स्टेबलाइजेशन मुझे तो इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन जो मैंने वीडियो स्टेबिलिटी मूड ऑन करके किया है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर मुझे लगे। बाकी इसमें वाइड एंगल लेंस आपको नहीं दिया गया, मेरे ख्याल में वो ऐड कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसमें आपको एक ब्लैक एंड वाइट सेंसर मिल रहा है। सेल्फ़ी कैमरे की अगर मैं बात करूं तो 16 मेगापिक्सल की इसकी सेल्फ़ी दी गई है। मुझे रियर कैमरे को अगर मैं देखूं तो मुझे जो सेल्फ़ी कैमरा से मैंने पिक्चर्स ली हैं वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी हैं। आप देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैलेंस कलर आपको मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प ब्राइट पिक्चर्स आई हैं सेल्फ़ी की। इवन पोर्ट्रेट मूड में भी मुझे इसके एज डिटेक्शन काफ़ी पसंद आए। मैंने बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया इसको, एक कंप्लीट डिटेल मैंने करना है इसका अलग से, तो ज़्यादा हमें बेहतर पता चल सकेगा। और इसके साथ जो फ्रंट कैमरा से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है उसमें भी मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें आपको मिलता है Realme UI 2.0 जो कि बेस्ड है Android 11 पे, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज लगता है। Realme का जो ये अपडेटेड आपको मिल रहा है OS 2.0 तो काफ़ी अच्छा है। और मैंने सबसे पहले जो चीज़ नोट की वो इसमें मैंने प्री इंस्टॉल ऐप्स बहुत ज़्यादा नहीं देखी, तो उससे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओवरऑल जो थीम्स और वॉलपेपर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि एक अच्छा कस्टमाइज्ड UI आपको मिलता है और आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलता है एंड्रॉइड का। जो इसमें बैटरी दी गई है वो 5000 mAh की बैटरी दी गई है विथ 30W का डार्क चार्ज। तो ये डार्क चार्ज क्या करेगा कि बहुत ही क्विकली आपका फ़ोन चार्ज करेगा, और बैटरी भी बड़ी है क्योंकि गेमिंग फ़ोन दिया गया है। और इसके अलावा मुझे डिस्प्ले भी इसका अच्छा लगा है, तो मल्टीमीडिया अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे। लॉन्ग सेशंस करते हैं आप लोग या आप लोग गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि गेमर जो है ना वो ये फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था Realme Narzo 30A। मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे इसके डिज़ाइन में थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आई। एक अच्छा ग्लॉस दिया गया है आपको बैक पैनल पे, जिनको ग्लॉजी फिनिश लुक अच्छे लगते हैं। एक अच्छे प्रोसेसर आपको दिया गया है इस प्राइस ब्रैकेट में, अंडर 35K अगर इसकी प्राइस होगी, अब मुझे कन्फर्म नहीं है, जैसी होगी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी तो आपको पता भी चल जाएगा। इसके अलावा डिस्प्ले फीचर्स मुझे अच्छे लगे, कैमरा बैटरी आपको अच्छा दिया गया, फास्ट चार्ज ज़्यादा दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने अनबॉक्सिंग में कवर कर ली, बाकी हम जो रह गया है वो रिव्यू में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि वो करना चाहिए आपको, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप लोग देखते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।